जी कुछ भी खुशी में खा लेंगे आज। और क्या खाएगा लोग, तुम भी दो लोग। आप पकड़ ले लो इसे। अब समय साफ हो खेल लो। ठीक है अरे दो मछली यूनिवर्सिटी चुनाव में जो है जीत का आगाज हो गया है क्योंकि मेहनत किए थे हम सब बहुत दिन से कर रहे थे। ये लोग नौजवान लोग पूरे तरीके से मेहनत किए हैं जिसका परिणाम है कि भगवान ने इनको कृष्ण भगवान ने आशीर्वाद दिया है जी। और इस बार लगता है इनकी जीत हुई है, निर्विरोध जीत हुई है और मेरा पूरा आशीर्वाद इन इन लड़कों के साथ पूरा सदैव शुरू से रहा है और अभी भी रहेगा। इस बार भी जो है जीत का जलवा देखने को मिलेगा। हाँ कैसा लग रहा है आशीर्वाद लिया आपने आके? बस भैया का आशीर्वाद बहुत दिन से लगातार बना रहा है, जिंदगी के अंतिम सांस तक भैया का आशीर्वाद बना रहेगा मेरे ऊपर। तैयारी और कैसी चल रही है क्योंकि चुनाव पे नजरें सबकी हैं? देखिए अब तो हम तो निर्विरोध जीत गए भैया के आशीर्वाद से और वहाँ के जो छात्र थे और हमारे जितने भी सीनियर छात्र थे सबका आशीर्वाद जीत चुके हैं और आगे के रणनीति बनेंगे और अगले चुनाव में भी और बेहतरीन तरीके से हम अपने भैया के जो आशीर्वाद मिलेगा उनको उतारेंगे और उनको जिताएंगे। पूरी तरह से तैयार हैं आप लोग इस बार? पूरी तरीके से तैयार हैं और जैसा कि पूर्व में संगठन को माननीय तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में से जो चलाने का काम किया जा रहा था उसी का एक परिणाम है कि आज आर्यन जो है निर्विरोध जीतने का काम किया है। ये छात्रों का विश्वास है कि माननीय नेता के नेतृत्व में जो हम लोगों ने संघर्ष किया था उसका ये प्रतीक। किस चीज में भी जीत इन्होंने दर्ज किया? ये पटना लॉ कॉलेज काउंसलर पद पर ये जो निर्विरोध निर्वाचित अभी ये भी दिखाओगे यूनिवर्सिटी चुनाव में जो है जीत का आगाज हो गया है क्योंकि मेहनत किए थे हम सब बहुत दिन से कर रहे थे। ये लोग नौजवान लोग पूरे तरीके से मेहनत किए हैं जिसका परिणाम है कि भगवान ने इनको कृष्ण भगवान ने आशीर्वाद दिया है जी। और इस बार लगता है इनकी जीत हुई है, निर्विरोध जीत हुई है और मेरा पूरा आशीर्वाद इन इन लड़कों के साथ पूरा सदैव शुरू से रहा है और अभी भी रहेगा। इस बार भी जो है जीत का जलवा देखने को मिलेगा। हाँ कैसा लग रहा है आशीर्वाद लिया आपने आके? बस भैया का आशीर्वाद बहुत दिन से लगातार बना रहा है, जिंदगी के अंतिम सांस तक भैया का आशीर्वाद बना रहेगा मेरे ऊपर। तैयारी और कैसी चल रही है क्योंकि चुनाव पे नजरें सबकी हैं? देखिए अब तो हम तो निर्विरोध जीत गए भैया का आशीर्वाद से और वहाँ के जो छात्र थे और हमारे जितने भी सीनियर छात्र थे सबका आशीर्वाद जीत चुके हैं और आगे के रणनीति बनेंगे और अगले चुनाव में भी और बेहतरीन तरीके से हम अपने भैया के जो आशीर्वाद मिलेगा।